हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 21 मार्च 2020, आज प्रदोष व्रत। काले तिल का ये उपाय बना देगा बिगड़े काम। प्रदोष व्रत महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। इसे त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक महीने में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है। अगर यह व्रत शनिवार के दिन पड़े तो इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। शनि प्रदोष का योग बेहद शुभ योग माना जाता है। मान्यता है कि इस शुभ योग में भगवान शिव, माता पार्वती और शनिदेव की पूजा और व्रत किया जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिन लोगों को शनि की साढ़े साथी और ढैया हो, उनके लिए यह व्रत बेहद लाभकारी होता है। ज्योतिष अनुसार यदि शनि प्रदोष के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाए तो व्यक्ति को धन धान्य और सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2020 मार्च महीने के दूसरे प्रदोष व्रत की शुभ तिथि, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। शनि प्रदोष व्रत तिथि व शुभ मुहूर्त। साल 2020 मार्च माह का दूसरा या अंतिम प्रदोष व्रत 21 मार्च शनिवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इसे चंद्र मास के 13वें दिन अर्थात कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। सूर्यास्त के बाद और रात के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ समय होता है। प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री। प्रदोष व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है, लेकिन यह शनि प्रदोष होने के कारण इस दिन शनि देव की पूजा करने से और भी अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। शनि प्रदोष पूजा के लिए तांबे का लोटा, दूध, वस्त्र, चावल, धूप दीप, चंदन, फूल, बेलपत्र, नारियल, पान सुपारी, काले तिल, उड़द व तेल आदि सभी जरूरी सामग्री अपनी श्रद्धा अनुसार रख लें। शास्त्रों में कृष्ण त्रयोदशी अधिक फलदायी और प्रभावशाली मानी जाती है। शनि प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल स्नान के बाद व्रत की तैयारी शुरू करें। शनि प्रदोष के कारण इस दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा में काले तिल, उड़द व तेल का इस्तेमाल जरूर करें। शनि प्रदोष के दिन की पूजा और मंत्र शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में करना शुभ होता है। प्रातः काल सर्वप्रथम भगवान शिव की आराधना कर उन्हें बेलपत्र, अक्षत, धूप दीप, गंगा जल आदि सभी पूजन सामग्री अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और जल का अर्घ दें। आज के दिन महादेव को चावल की खीर का भोग लगाएं और व्रत कथा पढ़ें। भगवान शिव की पूजा के बाद शनि देव की पूजा कर उन्हें काले तिल, उड़द व तेल अर्पित करें और शनि चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि जो भी आज के दिन शिव पार्वती और शनि देव की विधिवत पूजा करता है तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में धन धान्य प्राप्त होता है और सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। शनि प्रदोष का महत्व। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को बेहद प्रिय है, जिस कारण हर महीने आने वाले प्रदोष व्रत पुण्य फलदायी होते हैं। लेकिन भगवान शिव और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि प्रदोष बहुत ही खास होता है। शनि प्रदोष का व्रत करने से शनि के सभी दोषों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के दौरान साक्षात भगवान शिव शिवलिंग पर अवतरित होते हैं, इसीलिए इस समय की गई उनकी आराधना से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। शनि प्रदोष उद्यापन विधि। जो भी लोग शनि प्रदोष का व्रत 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार उन्हें व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि के दिन ही करना शुभ होता है। उद्यापन से पहले श्री गणेश जी का पूजन करें। त्रयोदशी के दिन प्रातः स्नान के बाद ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर हवन कर लें। हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर उद्यापन की विधि पूरी करें। शनि प्रदोष व्रत महा उपाय। शनि प्रदोष शिव गौरी के साथ साथ शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी विशेष माना जाता है। मान्यता है कि यदि आज के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होकर उसे यश, कीर्ति और धन संपत्ति का वरदान प्राप्त होता है। शनि प्रदोष के दिन शनिदेव को प्रसन्न कर शनि दोषों के दुष्परिणामों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें तिल का भोग लगाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंदों को काली चीजों का दान करें। शनि प्रदोष के दिन शनिदेव के नाम से तेल का दान करने से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने और जल का अर्घ देने से व्यक्ति को भगवान शिव और शनिदेव दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।